पहले हम लोग करते हैं कि न्यूमरोलॉजी का जो सब्जेक्ट होता है वो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, न्यूमरोस और लोगोस। ठीक है, ये देखिए न्यूमरोस, एवरीबडी इज एबल टू सी द स्क्रीन क्लियरली? यस मैम, हाँ मैं हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि न्यूमरोलॉजी का जो वर्ड है वो कहाँ से आया। तो नंबर्स और लोगोस का मतलब होता है साइंस। इसमें ज्यादातर जो रिसर्च हुई है, ज्यादातर जो एकेडमिक अचीवमेंट हुई थी वो वेस्टर्न वर्ल्ड से आई है। एंड इसके जो मेन गुरु या इसके जो टीचर्स माने जाते हैं वो हमारे वेस्टर्न प्रैक्टिशनर्स हैं, जैसे कि कीरो हैं, पाइथागोरस हैं और चाइल्डियंस हैं। चाइल्डियंस जो हैं इट इज अ ग्रुप, चाइल्डियन वॉज एन एथनिक ग्रुप जो कि सीरिया के आसपास डिवेलप हुआ था, और वो पूरा का पूरा ग्रुप जो था उनको सुपरनैचुरल पावर्स थी। तो वो जब ग्रुप डेवलप हुआ था उन्होंने चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी की इन्वेंशन की थी, विच पावर्स दे हैव? सुपरनैचुरल पावर्स। ओके, सुपर नेचुरल आप पावर। लोग प्लीज, सब लोग अब आई थिंक थोड़ा म्यूट कर दीजिए जिससे सबको आवाज पहुंच पाए। कैमरा बेशक ऑन रख लीजिए, म्यूट कर दीजिए कैमरा, वो माइक म्यूट कर दीजिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स में, साथ साथ आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। हाँ, सबको म्यूट कर दिया, देयर इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टूडेंट ऑल्सो। ठीक है जी, तो न्यूमरोलॉजी जो होती है इट इज अ साइंस ऑफ नंबर्स। तो साइंस का क्या मीनिंग होता है? साइंस का मतलब होता है दैट व्हेन यू आर परस्यूइंग अ सब्जेक्ट देयर आर सर्टेन रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो। साइंस का मतलब है सिस्टमैटिकली लेड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो वो सिस्टमैटिकली हम सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स स्टडी करेंगे, तो इसीलिए ये साइंस है और नंबर्स की साइंस है। और साइंस में एक ये भी बात होती है कि आप चाहे वही रूल इन पे अप्लाई करें चाहे इन पे अप्लाई करें, कहीं ना कहीं पर आपको रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट मिलेंगे। तो जब रिजल्ट एक्यूरेट होते हैं तब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक डिसिप्लिन को साइंस का नाम दिया जाता है। तो न्यूमरोलॉजी के ऊपर ओवर अ पीरियड ऑफ सेंचुरीज, इट्स अ वेरी ओल्ड साइंस, और सेंचुरीज पे इस पे बहुत सारी स्टडीज जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो जब हम लोग स्टडी करेंगे कि ये नंबर की ये क्वालिटी है, इस नंबर की ये क्वालिटी है, तो इट हैज ऑलरेडी बिन वेरीफाइड, इट हैज ऑलरेडी बिन कैरिड आउट ओवर अ लॉट मेनी पीपल। अब आप कहेंगे कि डेट ऑफ बर्थ जो होती है, डेट ऑफ बर्थ तो बहुत सारे लोगों की सिमिलर हो सकती है, तो क्या उन लोगों की लाइफ या उन लोगों का टेम्परामेंट क्यों अलग अलग होता है एक दूसरे से? ये पॉइंट मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब भी हम लोग न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, स्पेशली न्यूमरोलॉजी करेंगे, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास टाइम ऑफ बर्थ भी होता है, प्लेस ऑफ बर्थ भी होता है, तो वो ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है ना? और अगर आप लोग केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं फिर तो आपको प्रॉपर कुंडली का एग्जैक्ट आप लोग टाइम की रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हो, फिर आप उसके अंदर लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब सब लॉर्ड वहां तक जा सकते हो, उतना डिटेल में जा सकते हो। ठीक है ना? लेकिन वो क्या है ना, वो एक डिफरेंट डिसिप्लिन है। ज्योतिष शास्त्र या एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो मदर साइंस मानी जाती है, और ये सारी की सारी साइंसेस उसी में से ब्रांच करके बाहर निकल रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही साइंस जो है वही एक वैलिड साइंस है, वो मदर साइंस है, उसकी भी साधना करनी चाहिए, वो भी आपको पढ़नी चाहिए अगर आपका इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में। लेकिन इसके अलावा हमारे पास और भी पैरेलल डिसिप्लिन हैं जो उतने ही इक्वली एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं, और न्यूमरोलॉजी वैसे ही एक साइंस है जो कि अपने आप को प्रूव कर चुकी है ओवर अ पीरियड ऑफ डेकेड्स, नॉट जस्ट डेकेड्स बट सेंचुरी। इसमें हम लोग डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, बेसिकली हम लोग इसमें डेट ऑफ बर्थ, दो कंपोनेंट हम लोग इसमें सबसे ज्यादा स्टडी करेंगे। वन इज डेट ऑफ बर्थ, तो जिसके लिए भी आप एनालिसिस कर रहे हैं उसका पूरा डेट ऑफ बर्थ आपके पास एक्यूरेटली होना चाहिए। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल डेट ऑफ बर्थ जो कि रियल डेट ऑफ बर्थ है। सर्टिफिकेट वाला डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, कई लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर अलग होता है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट से अलग होता है, वो नहीं लेंगे हम, इसमें एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ लेंगे। ठीक है, तो जिसका भी लेना है आप पूरा डेट ऑफ बर्थ लेंगे, और दूसरा हम इसके अंदर जो है वो लेंगे बर्थ नेम। ये दो कंपोनेंट्स पे हम सबसे ज्यादा काम करेंगे। बर्थ नेम का मतलब होता है जो नाम आपने बच्चे के पैदा होते ही बर्थ पे रख दिया था, इंक्लूडिंग द फर्स्ट नेम एंड द फैमिली नेम।
अगर उसका लंबा नाम है, बीच में और भी नाम के कंपोनेंट्स आते हैं, तो वो भी आप उसके अंदर लेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ लेंगे और बर्थ नेम लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि ये दो कंपोनेंट्स। मैम आफ्टर मैरिज जो हम लोग का सरनेम बदल जाता है वो वाला नहीं रखना है? वो जो है ना थर्ड वाला जो आप कह रहे हैं, किसी का अगर ऑल्टर्ड नेम होता है, लेट्स से आफ्टर मैरिज, ठीक है, दैट इज ओनली फॉर नेम बैलेंसिंग। हम लोग इस पर नेम बैलेंसिंग करना भी सीखेंगे ना, दैट इज पार्ट ऑफ योर कोर्स, ठीक है, कि हमारे लिए ये नेम की स्पेलिंग करेक्ट है या ये नेम हमारे लिए परफेक्ट है कि नहीं है। तो ये वाला जो है, ये जो हमें लेना है ऑल्टर्ड नेम। देखिए, दो चीजों के लिए हम लोग पढ़ते हैं किसी भी चीज को। एक होता है हमारा असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का मतलब होता है स्वॉट। मैं भी आ रही हूँ उन पॉइंट्स के ऊपर। स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ठीक है। किसी की भी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जानने के लिए, प्लस उनके लिए क्या लाइफ में अपॉर्चुनिटीज है और क्या चीजें उनके लिए थ्रेट बन सकती हैं, तो उनको नहीं करनी चाहिए बेस्ड ऑन योर नंबर्स, उसके लिए हम लोग बर्थ नेम लेंगे। क्योंकि बर्थ नेम जो होता है ना, वो हम लोग मानते हैं कि वो हमें डेस्टिनी की तरफ से मिला हुआ है। तो वो कौन सा नेम होगा? या तो वो जो आपके पेरेंट्स ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने या जिससे भी आपका नाम रखा है, जो आपके बर्थ पे रखा था। अगर वो नाम आपका बाद में नहीं कैरी ऑन हुआ, होता है कि कई बार आप लोग नामकरण कुछ कर देते हैं, लेकिन जब बच्चा स्कूल जाता है तो कुछ और नाम से हम लोग उसको पुकारने लगते हैं। इन दैट केस, अगर उनका स्कूल में नाम चेंज हो गया था, तो उनका जो फर्स्ट नेम हमने यूज किया स्कूल के रिकॉर्ड्स पे, वो वाला नाम लेंगे, ठीक है। वी विल बी टेकिंग द नेम विच इज मोस्ट पॉपुलर विद दैट पर्सन। अगर कोई पर्सन अपनी होम लाइफ के लिए इम्प्रूवमेंट, इसमें मैं निक नेम के बारे में बात कर रही हूँ, एक क्वेश्चन आया निक नेम वर्सेस रियल नेम। देखिए, अभी आप लोग ने मेरे को वो जाने दीजिए, जरा सिस्टमैटिकली आपका कवर करने दीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस आंसर होंगे धीरे धीरे, ओके। अभी से आप लोग नेम नंबर की टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो, बहुत टाइम है, ओके। तो इसमें हम लोग दो कंपोनेंट्स आप लोग लिख लीजिए अपने नोट्स में, वन इज द एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ एंड दी अदर इज द बर्थ नेम और द नेम ऑन द फर्स्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द इंडिविजुअल। फर्स्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड कैन बी बर्थ सर्टिफिकेट और इट कैन बी द फर्स्ट एकेडमिक जो उनका इंस्टीट्यूशन में नाम लिखवाया गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे कि हम इसके अंदर आपको क्या क्या हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट लाइक न्यूमरोलॉजी। फर्स्ट थिंग इज इट्स अ पावरफुल सिस्टम ऑफ नोइंग योर ओन नेचर, योर टेम्परमेंट, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड व्हाट आर योर वीकनेस पॉइंट्स। ठीक है, तो हम लोग ये वाली चीज मान के चलते हैं कि जब आपके पास सेल्फ अवेयरनेस होती है कि दीज आर माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, strong point, self awareness जो होगी आपको, that means you can modify your thoughts. जब आपके पास ये self awareness है कि मेरे अंदर ये particular quality है, for example number one is very high on leadership quality. तो अगर आपके birth number में या आपके name number में कहीं पे one number की बहुत repetition हो रही है, तो आपको ये बात पता है, self awareness है आपके अंदर। आप चाहे नेचर से इतने ज्यादा असर्टिव नहीं हो, आप खुल के अपनी बात कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जब आपको ये बात पता चल जाती है कि मेरे को जो गिफ्ट मिला है डेस्टिनी से, रिमेंबर योर डेट ऑफ बर्थ इज नॉट एन एक्ट ऑफ चांस, इट इज नॉट रैंडम। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है, आपको पूरे प्लान के साथ, कॉस्मिक प्लान के साथ, एक पर्टिकुलर डे के ऊपर ही इस धरती पे आने का मौका मिलता है। तो आपके वो सारे जो नंबर्स हैं जो डेट ऑफ बर्थ में आते हैं, मतलब कि आपका बर्थ नंबर हो गया पहला, बेसिक कहते हैं हम उसको, 1 से लेके 31 को आप कौन सी डेट को बॉर्न हुए हैं, आपका मंथ कौन सा है और आपका ईयर कौन सा है, ये सारी चीजें जो हैं, ये आपकी गिफ्ट ऑफ द डेस्टिनी है। इस चीज को मान के चलिए। तो जब आपको पता चलता है कि डेस्टिनी ने मुझे ये पैकेज बना के भेजा है, मेरे को ये नंबर्स दिए हैं या मेरे ऊपर इन प्लैनेट्स की ब्लेसिंग है, तो आपका ये पर्पस हो जाता है कि आप उन क्वालिटीज को डेवलप करें। तो
अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है, आपको पता चलता है ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, यू विल मॉडिफाई योर थॉट्स एंड एक्शंस, यू अंडरस्टैंड। आप उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज तलाश करेंगे जहां पर आपको अपनी लीडरशिप डिस्प्ले करने का मौका मिलेगा। पहले बेशक आप पीछे हट जाते थे, मौके तब भी आते होंगे लेकिन आपने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। अब क्या होगा, अवेयरनेस, व्हाट हैपेंस इज आपका रेडार ओपन हो जाता है। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाता है। थर्ड आई चक्रा हम सबके पास होता है, हम सबके पास एक स्पेशल सेंस होती है, सबके लिए अपना अपना जीपीएस होता है। ये सब्जेक्ट्स आपको क्या करवाते हैं, इनिशिएट करवा देते हैं, आपको बता देते हैं कि देखिए आपको इस डायरेक्शन में अपने आप को लेके जाना है, ऐसे सोचना है। तो जब आप अपने मॉडिफाई करते हो थॉट्स और एक्शंस, आपके नंबर वन के साथ अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, यू आर डिजाइनिंग योर डेस्टिनी। आप अपनी डेस्टिनी खुद से डिजाइन कर सकते हैं। तो सारी डेस्टिनी, जो भी हमारा डेस्टिनी में होता है, कहते हैं कि किस्मत का लिखा बदल नहीं सकते, किस्मत की लिखी हुई रूपरेखा बदल नहीं सकते। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड देन ओनली यू कैन कन्विंस अदर पीपल हुम यू विल गाइड एंड काउंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेस्टिनी एंड फ्री विल। कई लोगों के लिए ये नए वर्ड हो सकते हैं, कई लोगों के लिए ये ऑलरेडी चिंतन का विषय हो सकते हैं। व्हाट इज डेस्टिनी? डेस्टिनी इज समथिंग दैट इज डिसाइडेड बाय द कर्मास ऑफ योर प्रीवियस बर्थ। डेस्टिनी भी जो है वो भी आप ही के डिजाइन की हुई है, आपकी डेस्टिनी, कि आप इस डेस्टिनी में कहां पर पैदा होंगे, आप किस प्रोफेशन को लेंगे, आप कितना सक्सेस आपको मिलेगी। किस्मत के अगेंस्ट नहीं जा रहे हम लोग किस्मत के साथ अपने एक्शंस और थॉट्स को अलाइन करेंगे नॉलेज के। तो जब आपको नॉलेज आ जाएगी तो फिर आपको अवेयरनेस है कि मुझे ये काम करूंगा तो इसमें सक्सेस मिलेगी, ये काम मेरे नंबर्स जो हैं कहते हैं मीडियम सक्सेस देंगे, लेट मी नॉट गो डाउन दैट पाथ। एफर्ट्स तो वही है ना, सबके पास वही नंबर ऑफ ईयर्स है, वही आप लोगों की एफर्ट्स है, तो क्यों ना एफर्ट्स को ऐसे डायरेक्शन में डाला जाए जो आपको मैक्सिमम रिटर्न लेकर आएंगे। तो डेस्टिनी इज लाइक अ प्लेग्राउंड, प्लीज अंडरस्टैंड। किस्मत क्या होती है? किस्मत होती है हमारा प्लेग्राउंड। ये हमारे को ऑलरेडी लिखा हुआ मिलता है कि हम लोग किस प्लेग्राउंड में इस पर्टिकुलर बर्थ में प्ले करेंगे, उसकी जो बाउंड्री वॉल है वो आपको ऑलरेडी मिलेगी बनी बनाई, लेकिन वो बहुत बड़ी बाउंड्री वॉल होती है। प्लीज म्यूट योर माइक्स एवरीबॉडी। वो बहुत बड़ी बाउंड्री वॉल होती है, उसके अंदर वाला जो पूरा पोर्शन होता है, वो पूरा जो प्लेइंग फील्ड है, वो आपके लिए फ्री होता है। दैट इज योर फ्री विल, एंड एट एवरी पॉइंट आपको बता दिया गया आपको ये वाला मैच खेलना है और इस पर्टिकुलर स्टेडियम में खेलना है, लेकिन आपने शॉट्स कैसे मारने हैं, आपने कंपटीशन को कैसे फेस करना है, आपने एनिमी को कैसे फेस करना है, ये सब आप डिसाइड करते हो ना। अपनी लाइफ की स्ट्रैटेजी तो आप ही डिसाइड करते हो ना, आपको कोई कह थोड़ी रहा है कि आप ऐसे खेलो आप ऐसे खेलो। अगर आपको अवेयरनेस है तो खेलो आप अपनी स्ट्रेंथ पे। आपने क्रिकेटर को खेलते हुए देखा है, अ बैट्समैन विल ऑलवेज प्ले अपॉन हिज स्ट्रेंथ, ही विल अवॉइड द बॉल्स व्हिच आर अगेंस्ट हिज साइज। सो व्हाट टू टेक ऑन एंड व्हाट टू डॉज, हाउ टू प्ले योर लाइफ इंटेलिजेंटली सो दैट यू स्टे इन दैट फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू स्कोर रन। That is the entire idea of learning a subject like numerology. It will make you totally self-aware कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस चीज में best हूँ, या आप दूसरे लोगों को भी इस तरीके से guidance दे सकते हैं। तो आपकी date of birth unique है, ठीक है, आप बहुतों से share करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों से share नहीं भी तो करते ना। तो इस तरीके से आपकी date of birth जो होती है वो unique होती है, और हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मिलेंगे, डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप जो है वो और हम लोग फोर नंबर्स निकालेंगे, उसके बेसिस पे आप डिसीजंस लेंगे। तो वंस यू नो योर डेट ऑफ बर्थ, आप उसको अलग अलग चीजों में यूज कर सकते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइव क्लास हेल्ड, यू कैन जॉइन दिस कोर्स ऑनलाइन विद ऑल लाइव क्लासेस। वीडियोस ऑफ ईच क्लास विल ऑल्सो बी सेंड टू यू। कॉन्टेक्ट मिसेस आभा बंसल 9350 508001।